एक विशेष कारण है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। दुनिया में एक विशेष व्यक्ति है, हर जगह दिखाई नहीं देता है, कंकड़ हर जगह दिखाई देता है, लेकिन हीरा मनी हर जगह दिखाई देता है। नदी में बहुत सारे पत्थर है, छोटा छोटा पत्थर, सुंदर पत्थर, लेकिन मनी वगैरह निकल जाता है हमेशा, मुश्किल से एक दो निकल जाता है। सुंदर सुंदर पहाड़ है, कुरूप पहाड़ भी है। सबसे ज्यादा कौन सा पहाड़ है? कुरूप पहाड़ है ना। दुर्गेश्वर सुंदर लगता है? नहीं लगता है। कोई कोई जगह पे सुंदर बगीचा है, फूल खिला हुआ, फूल खिल गया। कोई कोई जगह है बहुत कुरूप है, जंगल जैसा, काटा सूखा हुआ जैसा। कुरूप जगह ज्यादा है या सुंदर जगह ज्यादा है? सुंदर जगह ज्यादा है। सुअर की नजर से देखेंगे तो हर जगह फूल खिला हुआ, नदी है जगह जगह। मानव का नजर से देखेंगे तो कुरूप जगह ही ज्यादा है। और खांसी है ना, क्या करे, शरीर तो बीमार पड़ता ही है। कोई रोक सकता है बीमार से? ऊपर वाला कोई नहीं रोक सकता है। आज स्वस्थ रहेगा तो कल पक्का बीमार पड़ जाएगा, कोई बीमार से बच नहीं सकता है। तो ऐसा एक कारण, विशेष कारण है, एक व्यक्ति है दुनिया में हर जगह दिखाई नहीं देता है, वो है सत्पुरुष। कौन है वो सत्पुरुष? सत्पुरुष दुनिया में मुश्किल से दिखाई देता है। सत्पुरुष कैसा है, पहचानेंगे कैसे? सत्पुरुष ही कल्याण मित्र होता है। आप भी सत्पुरुष हो सकते हैं, पता नहीं, शायद आप भी सत्पुरुष हो सकता है। सत्पुरुष पहचानने के लिए सत्पुरुष का गुण जानना चाहिए। सत्पुरुष कभी भी किया हुआ गुण को नहीं भूल जाता है। थोड़ा सा भी मदद किया तो वो मदद कभी भूलता नहीं है। एक बार भगवान बुद्ध के समय में एक आदमी चीवर पहनने के लिए आया। भगवान बुद्ध के रास्ता पे, असली रास्ता पे चीवर पहनना नामुमकिन, मुश्किल है। अगर आप चाहेंगे तब भी नहीं कर सकता है, उसका बहुत सारे रूल्स है, डिसिप्लिन्स है। सोचिए 10 बच्चा है तो कहीं फिल्म के लिए इंटरव्यू होता है, उसी इंटरव्यू में सभी बच्चा पास हो जाता है? हजारों में से एक पास होता है। वैसे ही है भगवान बुद्ध की, असली रास्ता पे जाने के लिए चीवर पहनना चाहेंगे तो हजारों में से एक सिलेक्ट होता है, 99 फेल हो जाता है, मुश्किल है। असली रास्ता पे चीवर पहनने से देवताओं पे नमन करता है। नकली रास्ता में तो ढेर सारा बोध गया, जाके देख लीजिए, पूरा भरा हुआ बोध गया, वो नकली रास्ता। उसमें आप साथ लड़के लोग को भी कर सकते, लड़का लोग भी, सभी लोग जाके कर सकता है, फ्री, कोई इंटरव्यू नहीं है। वही सही है, सत्पुरुष भगवान बुद्ध के समय में एक आदमी आया चीवर पहनने के लिए। आने के बाद उसको चीवर नहीं पहनाया, आते 20 साल 25 साल गया, भगवान बुद्ध के पास आके रो रो के बोल रहा था, भगवान हमको चीवर नहीं देता है बंते जीवन,
क्या करे, बातें में बुलाया क्यों नहीं, सीवर देता है भगवान बुद्ध जी, ये आदमी अभी तक तैयार नहीं है, ये इसका और डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, विनय अच्छा होना चाहिए और अनुशासन अच्छा होना चाहिए, अभी तक चीवर पहनने का लाइक नहीं है। फिर पूछा, किसी को याद नहीं याद में किसी को उपकार किया है, सभी बंदिल बताए कभी उपकार नहीं करता है, खुद खाते पीते रहता है, संघ की सेवा कुछ नहीं करता है। फिर सारभूत बंदिल जी बताए, भगवान मुझे याद है, सारभूत आपको क्या याद है, मुझे याद है लगभग 10 साल पहले एक बार भिक्षा करने जाने के बाद मुझे एक चम्मच चावल दे दिया मेरे पात्र में, ये याद थी, अभी तक मुझे याद है। भगवान बुद्ध ने बताया, साधु साधु सारिपुत्र आश्चर्य, सारिपुत्र आप तो सत्पुरुष है, सिर्फ सत्पुरुष लोगों को याद रहता है किया हुआ उपकार, असत पुरुष को याद नहीं रहता है। एक लेम चूस भी दिया तो याद रहता है, मुझे एक ने एक लेम चूस दिया है, हमेशा याद रहता है क्या हो उपकार। असत पुरुष को पहचानने का एक तरीका ये है, उपकार करके गलती किया तो सारे उपकार भूल जाता है, वो गलती पकड़ लेता है, पकड़े दुश्मन बन जाता है, वो कौन है, असत पुरुष। आपका मन कैसे होगे आप ही जाने। ऐसे भी हो सकता है, कभी संडे स्कूल में आप लोग आते हैं, आने के बाद आप लोगों को ज्ञान मिल रहा है, एक दिन हस्तेदार से बिना गलत किए हुए सत्पुरुष है तो नम्रता पूर्वक शांत हो जाता है, अपना में सुधारने के लिए नहीं आगे बढ़ता है, बाकी कोई बात नहीं, दूसरा किया हो गलती में हम फंस गए, लेकिन मेरे लिए ये डाक अच्छा है, ये डाक ने मुझे उपदेश दिया है, ऐसे करके बर्दाश्त करता है। असत पुरुष क्या करेगा, मुझे क्यों डांट, हम आएंगे नहीं संदेश में, बकवास से नहीं जाएंगे, बेइज्जती बेइज्जती करता है वहां पे जाने के बाद, ऐसे करके छोड़ देता है असत पुरुष। इसके हिसाब से आजकल सत्पुरुष ज्यादा है या असत पुरुष ज्यादा है, असत पुरुष ज्यादा है, और गुण है सत्पुरुष असत पुरुष हमेशा लाभ की आशा रखता है, लाभ सत्कार की आशा रखता है, हमको चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, हमको लैपटॉप एक चाहिए, हमको एक साइकिल चाहिए, इसे लालची रखता है हमेशा असत पुरुष, जहां लाभ मिलता है वहां नजर लगाता है, जहां लाभ नहीं मिलता है वहां थूक देता है, वो असत पुरुष है। एक बहुत बड़ा असत पुरुष था भगवान बुद्ध के समय में, कौन था वो, अंदाज लगाइए, बहुत बड़ा असत पुरुष है वो, है कौन वो, कौन, देवदत्त, देवदत्त सबसे बड़ा असत पुरुष। पता है आप लोगों को, देवदत्त आके चीवर पहन के अच्छा से सील सुरक्षा किया, ध्यान किया, चौथी ध्यान अष्ट समापत्ति तक मन बढ़ाया, आसमान से जा सकता है। इसके बाद एक दिन क्या किया, मगध नरेश का बेटा अजासत राजा के पास कैसे गया, बच्चा का रूप लेकर के आसमान से जाकर के अजासत राजकुमार का गोद में बैठ गया, फिर राजकुमार डर गया, कौन है आप, कौन है, फिर असली रूप लेकर के बताया, मैं हूं देवदत्त, मेरे पास सारी शक्तियां हैं,
प्रसन्न हो गया, आप मेरा आज से गुरु है। इसके बाद बताया, तुम राज बन जाओ पिताजी को हटा के, मैं बुद्ध बन जाऊंगा भगवान बुद्ध को हटा के। नीच विचार मन में आते ही उनका मन से क्या हो गया, ध्यान शक्ति सब खत्म हो गया। ये आसमान से जाना, रूप बदलना, ये सारे शक्तियां कहां उत्पन्न होता है, मन में है ना। मन पतन होते ही सारे शक्तियां खत्म हो जाता है। आपका मन पतन हो गया तो पहचान सकता है, ध्यान नहीं कर सकता है अच्छे से, ज्ञान सुनने में मन नहीं जाता है, सत्पुरुष कल्याण मित्र संगत में रहने का मन नहीं करता है, ध्यान करने का मन नहीं करता है। समझ लीजिए आपका मन 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 में मैल बैठ रहा है, जंग लगना शुरू हो गया, धीरे धीरे पतन हो जाएगा। तो वैसा आप भी अगर नीच इच्छा लालची के लिए आशा रखेंगे तो वो असत पुरुष का स्वभाव है, सत्पुरुष ऐसा नहीं। सत्पुरुष हमेशा सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, डांट सुन लिया तभी तुरंत भूल जाता है, कोई अपमान किया तो भूल जाता है, याद नहीं रखता है, अतीत को पकड़े नहीं रहता है। असत पुरुष अतीत को पकड़े के रहता है। कभी कभी असत पुरुष ऐसा है जो खाना खिलाता है ना, वो खाना खिलाने वाले हाथ भी काट लेता है, दांत भी काटता है, हाथ को भी खा जाता है असत पुरुष। सत्पुरुष ऐसा नहीं, सत्पुरुष खिलाने वाले हाथ को नमन करता है। वैसा उपकार करने वाले लोग को लूटता है असत पुरुष, सत्पुरुष उपकार करने वाले लोगों को नमन करता है। तो और गुण है, असत पुरुष के पास सहनशीलता नहीं है। असत पुरुष के पास कोई डांट मिल गया तो, अपमान हो गया तो बर्दाश्त नहीं करता है, उल्टा लड़ने जाता है, उल्टा गाली देने जाता है, अपमान करने जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है कुछ भी चीज। लेकिन सत्पुरुष ऐसा नहीं, कितना भी डांटे, अपमान करे, कुछ भी करे, बर्दाश्त करता है, नंबर वन बर्दाश्त करता है। इसके बाद वो सोच के निर्णय लेता है, हम अभी क्या करेंगे। वो असत पुरुष एवं सत पुरुष का फर्क है और है, असत पुरुष हमेशा नाम कमाने के लिए कोशिश करता है। टीवी चैनल में अपना फोटो आ गया तो, न्यूज़पेपर में अपना फोटो आ गया तो, कोई प्रोग्राम में अपना फोटो आ गया तो बहुत पसंद करता है, खुद को बहुत प्यार करता है, हद से ज्यादा खुद को प्यार करता है, चाहते सभी लोग मेरे बारे में जाने, सभी लोग मुझे पसंद करें, प्यार करें। कोई स्कूल में है तो लड़की सोचती है लड़का लोग मुझे सबसे ज्यादा लाइक करना चाहिए, लड़का सोचता है लड़की लोग मुझे सबसे ज्यादा पसंद करना चाहिए, सबसे ज्यादा हीरो मैं रहूंगा। वो असत पुरुष का स्वभाव खुद को हमेशा आगे रखने के लिए कोशिश करता है। बोध गया में अनंत हम देखे हैं, कभी कुछ प्रोग्राम हो गया तो अपने को सामने करने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं लोग। सत्पुरुष ऐसा नहीं, पीछे हट जाता है, हमेशा सुंदर रहता है, बाल झाड़ के क्रीम लगा के सुंदर कपड़ा पहन के रहता है। ये नीच विचार नहीं कि सब सबके सामने हम सुंदर हो, हम सबके सामने अच्छा हो, ये सब कुछ नीच इच्छा नहीं है। स्कूल में है तो नॉर्मली अपना पढ़ाई पे ध्यान देता है, ट्यूशन क्लास में है तो पढ़ाई पे ध्यान देता है, लाइन पे नहीं। और कोई प्रोग्राम आ गया तो टीवी के सामने आदि खड़ा होता है ना बहुत सारे लोग, डीएम सर सोचिए इधर माइक से बात कर रहा है, कोई कोई कॉन्फ्रेंस पीछे खड़ा कैसे रहता है, मेरा चेहरा भी आ जाएगा टीवी में, बहुत
अपमान करता है वो असत्पुरुष का स्वभाव है। सत्पुरुष ऐसा नहीं है। तो सोच बोलिए अभी उसी प्रकार देखेंगे तो समाज में सत्पुरुष ज्यादा है या असत्पुरुष ज्यादा है? असत्पुरुष ज्यादा है। और असत्पुरुष हमेशा अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमेशा अपमान होते ही उसी अपमान से बचने के लिए बहुत सारी कोशिश करते रहता है। मुझे अपमान हो गया, हमको ऐसे हो गया, नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसे हो गया, ऐसे करते करते खुद को साफ करने के लिए कोशिश करते रहता है। मैंने ऐसी गलती नहीं किया, भले ही वो किया हो या ना हो, लेकिन खुद को हमेशा साफ करके रखने के लिए कोशिश करता है समाज के सामने। लेकिन सत्पुरुष ऐसा नहीं, कितना भी अपमान हो होने दो ना, कितना भी बेइज्जती हो होने दो ना, थोड़ी ना शरीर बेइज्जती होगा लेकिन थोड़ी ना मेरा मन बेइज्जती होता है। अपना मन साफ रखते हैं, कितना भी बेइज्जती होता है मुस्कुराते रहता है, हमको क्या, थोड़ी ना दुनिया मुझे खिलाता पिलाता है, हम अपना खाते पीते रहते हैं। कितना भी अपमान हो, कलंकित हो, अपने को सुधारने के लिए समाज के सामने सुधारने के लिए नहीं जाता है। कुछ गलती हो, सचमुच में गलती है तो गलती हटा देता है। और असत्पुरुष लोग को कोई इज्जत करेगा तो बहुत पसंद करता है, आके पैर छुएगा तो, नमन करेगा तो, कुछ किस्त देगा तो बहुत पसंद करता है। बहुत अच्छा बोल, बहुत अच्छा है। सोचिए आप कोई रिश्तेदारों का घर पे जाते, इधर आप लोग रिश्तेदारों का घर पे जाते समय कुछ लेके जाता है, श्रीलंका में लेके जाते हैं बहुत सारे मिठाई गिफ्ट वगैरह लेके जाता है। गिफ्ट अगर वो पैकिंग बहुत बड़ा दिखाई देगा तो अच्छा स्वागत, अरे आप बहुत दिन से नहीं देखे, कैसे आइए ना, एक महीना तक जाने नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि वो जानता है कल परसों निकलना जरूरी, नहीं तो नौकरी छूट जाएगा। बोल रहा एक महीना तक घर से हिलना मना है, गिफ्ट ज्यादा देखा है, छोटा सा गिफ्ट लेके आए, नमस्ते कैसे हैं, हाँ ठीक है, मैं आपको गलत टाइम पे आ गया है, कल हमको जाना है मीटिंग में, आप लोग ऐसा टाइम पे क्यों आया, हमको फोन करके आना तो, हाँ फोन किया, उठाया क्यों नहीं, हम बहुत बिजी थे, बच्चा लोग का पढ़ाई में हम थे, अभी क्या करेंगे, अभी आइए, एक दो घंटा रुकी और क्या, तुरंत चला देता है। असत्पुरुष का स्वभाव ऐसा है, स्वागत नहीं करता है सत्पुरुष। सत्पुरुष ऐसा नहीं, घर पे आए तो आइए आराम करिए, गिफ्ट का क्या जरूरत है, ये गिफ्ट वापस लेके जाइए, तो लेके कोई जाता नहीं तो ठीक रहने दीजिए, आप लोग जब तक रहने रही, खुला दिल है, छुपा छुपी लुका चोरी सत्पुरुष का दिल में नहीं है, सीधा सीधा बोल देता है जो बोलना है, सत्पुरुष है। असत्पुरुष लोग हमेशा अंदर छुपा के रखता है, ऐसे सोचता है, अगर ये आदमी को अभी डांटेंगे तो उसी से वो काम नहीं करवा सकता है, इसीलिए बात में डांटेंगे शुद्ध के साथ, ऐसे करके बहुत सारी चीज छुपा के रखता है। असत्पुरुष सामने गुण बोलता है, पेट के पीछे गाली देता है। अभी बोलिए असत्पुरुष ज्यादा है या सत्पुरुष? असत्पुरुष ज्यादा है। बच्चों में, बच्चे लोगों में भी असत्पुरुष ही ज्यादा है। सत्पुरुष बनना मुश्किल है या कठिन है या आसान है? बहुत कठिन है सत्पुरुष बनना मुश्किल। याद रखिए अंतिम बात, सत्पुरुष मरने के बाद देवताओं के पास जन्म लेते हैं, असत्पुरुष मरने के बाद जानवर बन जाता है, नरक में जाता है,
या प्रेत बन जाता है, भूत प्रेत। असत पुरुष खतरनाक है, असत पुरुष का संगत में आ गया तो सबका जीवन बर्बाद होता है। आप सत्पुरुष बनिए, सत्पुरुष गुण अपनाइए। सत्पुरुष गुण अपनाने के लिए सबसे पहला अंदर लालची मात्रा की किसी भी चीज का, समझ में आ गया है? एक दुखी का बात है, हमेशा हम इधर एक पेपर आता है दैनिक जागरण हिंदुस्तान प्रभात खबर जैसा, पेपर पढ़ने से रोज पेपर में है चोरी हो गया, लूट लिया, जिंदा जलाया, बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, गला काट दिया। दिन प्रतिदिन समाज में अपराध क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। मर्डर के बारे में आप लोग कितना बार सुना होगा, मार दिया, बलात्कार किया, सुना कि नहीं? बहुत सुना ना, हम लोग बचपन में नहीं सुने। हम लोग बचपन में मुश्किल से एक बार सुनाई दिया, वो मार दिया, पूरे गांव ना अपसेट हो जाते, दुखी हो जाते, क्या इसे किया, पूरे देश हिल जाता है एक मर्डर से। अभी हो रहा है हजारों हजार, दुनिया शांत है, देखिए पाकिस्तानी बच्चों को मार दिया, खत्म। अभी लगता है कुछ हुआ ही नहीं जैसा, खिलौना काट दिया जैसा। ऐसा है तो एक चीज है, दिन प्रतिदिन असत पुरुष का संख्या बढ़ता जाता है, अपराध बढ़ता जाता है, दुनिया दिन प्रतिदिन पतन होता जाता है। लोग मरने के बाद देवताओं के पास जन्म लेगा नहीं, इस जीवन भी दुख, मरने के बाद भी दुख। आप सत्पुरुष बनिए, एक अच्छा मौका, मेरे ख्याल से ऐसा चांस और किसी को नहीं मिला। आपकी नजर में है मिला किसको? मेरी नजर में नहीं मिला किसी को। संडे स्कूल बच्चा को ऐसा सत्पुरुष बन के खुशी से जी के मरने पर देवताओं के पास जाने का सुनहरा मौका मेरे नजर में और किसी को नहीं मिला। आप लोग को ये मिला हुआ मौका मत गवाइए। पता नहीं आप लोग कब तक हम लोग के साथ रहेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूं मरने दम तक रहिए, अंतिम श्वास चुटने दम तक सत्पुरुष संगत में रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सचमुच में पहले जो संडे स्कूल में आते थे आप लोग, उस समय आप लोग के पास अलग अलग प्रकार की इच्छा था, लालचिता, अलग अलग प्रकार की। लेकिन अभी सचमुच में आप लोगों का दिल में भगवान के रूप जन्म हो गया, ये भी बदल सकता है। आप संडे स्कूल छोड़ दीजिए, सत्पुरुष संगत से दूर हो जाइए, आप का मन में असत पुरुष लोग का संगत आते ही आपका मन भी असत पुरुष हो जाता है। दूध गंदगी पानी में डाल दिया तो साफ रहेगा, दूध भी गंदा हो जाता है। पाप, एक अच्छा व्यक्ति पापी लोग का संगत में आ गया तो पापी हो जाता है, पतन हो जाता है, फिर गलत काम करने का मन करता है, खत्म। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं आप सभी लोगों को सत्पुरुष होने का भाग्य, सत्पुरुष बनने का भाग्य सबको मिल जाए।